स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम ऑर्थोपोडा के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो ऑर्थोपोडा फाइलम में हम संधित उपांग वाले जीवों को सम्मिलित करते हैं। ऐसे जीव जिनमें जॉइंटेड लेग्स पाई जाती है उन्हें हम ऑर्थोपोडा फाइलम में रखेंगे। सन 1845 में वॉन सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक ने इस ऑर्थोपोडा संघ की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऑर्थोपोडा के जीवों में जो बाह्य कंकाल मिलता है वो काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ होता है और इनके अंदर रेखित पेशियां भी पाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को पुनः बताए हैं। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसे मुख्य रूप से हम 5 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपसंघ है वो है हमारा ट्राइलोबाइटोमोर्फा, दूसरा है कैलिसिरेटा या चैलिसिरेटा भी आप बोल सकते हैं, तीसरा है मैंडिबुलेटा, चौथा है ओनिकोफोरा और पांचवा हमारा हो जाएगा टार्डीग्रेडा। तो बिल्कुल आप लोगों को पांचों ऑप्शन याद करने हैं। अब ट्राइलोबाइटोमोर्फा की अगर मैं बात करूं तो ट्राइलोबाइटोमोर्फा के सभी सदस्य जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस उपसंघ को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल आपको इतना सा याद रखना है कि ट्राइलोबाइटोमोर्फा जो उपसंघ है उसके सभी जीव विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरा हमारा उपसंघ है कैलिसिरेटा या चैलिसिरेटा। इनके अंदर एक कैलिसेरी या चैलिसेरी नामक उपांग पाया जाता है, उसी के नाम के आधार पर इसे कैलिसिरेटा बोला जाता है। श्रृंगिकाओं का इनमें अभाव होता है, कैलिसेरी व पेडिपेल्प यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दो उपांग यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि शिकार को पकड़ने में और उसको भेदने में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। आगे तीसरा उपसंग हमारा मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप देखिए शरीर सिर वक्ष और उधर में बटा हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंडिबुलेटा के सदस्यों में सिर वक्ष और उधर तीनों भाग अलग अलग पाए जाते हैं। सिर पर एक या दो जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती है, मुखांगों में एक या दो जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं। उपांग द्विशाखित प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। मैंडिबुलेटा के आगे का वर्गीकरण हम आगे वाले पेज पर देखेंगे। तीसरा हमारा उपसंग हो गया। चौथा उपसंग हमारा ओनिकोफोरा, सबसे इंपॉर्टेंट उपसंग है ओनिकोफोरा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं उपस्थित होती है, उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं। एनेलिडा व ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी इसे कहते हैं और इसका सदस्य पेरिपेटस। तो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि पेरिपेटस किन दो फाइलम के बीच की योजक कड़ी है, तो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी है और ये ओनिकोफोरा उपसंघ का मेंबर है। पांचवा हमारा उपसंघ है टार्डीग्रेडा, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है टार्डीग्रेडा, और इसका एक ही सदस्य है इकाइनिस्कस, जल भालू या वाटर बियर जैसे हम बोलेंगे। तो ये जल भालू आप याद रखना टार्डीग्रेडा उपसंघ का मेंबर है, इसे इकाइनिस्कस के नाम से भी जाना जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कैलिसिरेटा के कुछ वर्गों की यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्लासेज है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्लास है म्यूरोस्टोमेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास है एरेक्निडा और तीसरी है पिक्नोगोनिडा। ये कैलिसिरेटा या चैलिसिरेटा उपसंघ की क्लासेज है। तो म्यूरोस्टोमेटा की अगर मैं बात करूँ तो मध्यकाय में 4 से 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, उदर तीक्ष्ण पूंछ के रूप में समाप्त होता है, यानी उदर जो है वो लास्ट में पूंछ बनाता हुआ समाप्त हो जाएगा। श्वसन गिलों द्वारा होता है, तो ये आपको याद रखना है, श्वसन जो है यहाँ पर गिल्स के द्वारा होता है। और इसका फेमस एग्जाम्पल है लिमुलस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमुलस, म्यूरोस्टोमेटा वर्ग का सदस्य है जो कैलिसिरेटा उपसंघ में आता है। और लिमुलस को हम जीवित जीवाश्म के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि म्यूरोस्टोमेटा वर्ग का केवल यही सदस्य जो है वो जीवित रूप में पाया जाता है, लिविंग फॉसिल्स है लिमुलस। किंग क्रैब भी इसे बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, लिमुलस का जो सामान्य नाम है वो किंग क्रैब है और ये एक जीवित जीवाश्म है या लिविंग फॉसिल्स है। एरेक्निडा वर्ग की हम बात करते हैं, प्रोसोमा में 2 जोड़ी कैलिसेरी और 1 जोड़ी पेडिपेल्प या पदपेल्प व 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी जो प्रोसोमा इसका शरीर का खंड है उसमें 2 जोड़ी कैलिसेरी मिलेगी। तो कैलिसेरी की संख्या 2 जोड़ी होती है यानी 4 होती है, 1 जोड़ी पेडिपेल्प यानी 2 पेडिपेल्प पाए जाते हैं और 4 जोड़ी टांगे मिलती है। श्वसन श्वास नलिकाओं या पुष्ट फुफ्फुस द्वारा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ऑर्थोपोडा में पुष्ट फुफ्फुस या बुक लंग्स, बुक गिल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एरेक्निडा के सदस्यों में पाए जाते हैं।
इन्हें पुष्प फुप्फुस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो पटलिया पाई जाती है वो किताब के पन्ने जैसी होती है, इसलिए इन्हें पुष्प फुप्फुस कहा गया है। और इनमें वायु श्वसनी पाया जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही मिलता है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सरल नेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं और इनके उदाहरण है समस्त बिच्छू जो कि स्कॉर्पियोनिडा गण का सदस्य है, मकड़िया, टिक्स एंड माइट्स। आगे हम इनके गण की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल से रेस्टोरेंट्स आप याद रखेंगे कि बिच्छू, मकड़िया, टिक्स और माइट्स एरेकनिडा वर्ग में सम्मिलित की गई है और ये एरेकनिडा कैलिसेरेटा का उपसंकस वर्ग है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। पिक्नोगोनिडा वापस कैलिसेरेटा का ही वर्ग है और इसमें स्पष्ट तुंड पाई जाती है, उदर छोटा या वासित होता है, ये सामान्यतः समुद्री मकड़िया कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, समुद्री मकड़िया पिक्नोगोनिडा में सम्मिलित की गई है। पिक्नोगोनम और निम्फोन ये समुद्री मकड़ियों के एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप पेन कॉपी ले लीजिए और वन बाई वन उतारते हुए चलिए जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हमारा उपसंग है मैंडिबुलेटा और मैंडिबुलेटा को हम निम्न वर्गों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला वर्ग है क्रस्टेशिया, दूसरा हो जाएगा आपका डिप्लोपोडा, तीसरा हो जाएगा किलोपोडा, चौथा हो जाएगा पोरोपोडा, पांचवा हो जाएगा सिम्फाइला और छठा हो जाएगा इंसेक्टा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रस्टेशिया की हम बात करते हैं। इनका शरीर सिरोवक्ष और उदर में बटा होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे सिर और वक्ष आपस में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर सिरोवक्ष केरोपस से ढका रहता है, यानी यहाँ पर एक बाह्य कंकाल मिलता है जिसे पृष्ठवर्म या केरोपस के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे केरोपस नामक बाह्य कंकाल क्रस्टेशिया के सदस्यों में पाया जाता है, श्वसन गिल्स के द्वारा होता है और उत्सर्जन कक्षीय या ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। क्रस्टेशिया के सदस्यों में कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लेना। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है फिर एस्टेकस डेफनिया, डेफनिया क्रस्टेशिया का सदस्य है, साइक्लॉप्स क्रस्टेशिया का मेंबर है, लिपस बेलेनस पेलिमोन प्रॉन क्रस्टेशिया का सदस्य है, कैंसर या केकड़ा यहाँ पर आता है, यूपेगोरस स्क्विला सेकुलाइना एपस और लोबस्टर ये सभी क्रस्टेशिया के सदस्य हैं। और इनके गणों की बात हम आगे करने वाले हैं, पहले आप एग्जाम्पल्स याद कर लेना कि कौन कौन से एग्जाम्पल क्रस्टेशिया में सम्मिलित किए गए हैं। केरोपस वाला जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा गया है एग्जामिनेशन में, आप ध्यान रखेंगे। डिप्लोपोडा की आगे हम बात करते हैं और डिप्लोपोडा में आपको डायरेक्ट याद रखना है जूलस, जिसे सहस्त्रपादी के नाम से हम जानते हैं, सहस्त्रपादी या जूलस डिप्लोपोडा का सदस्य है। शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, क्रमिक समान होता है, शरीर सिर वक्ष और उदर यानी तीनों भाग अलग अलग होते हैं, नम व स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी तथा उदर के प्रत्येक खंड में दो जोड़ी टांगे होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे मिलती है जूलस में और उदर के प्रत्येक खंड में दो जोड़ी टांगे पाई जाती है जूलस, जिसे सहस्त्रपादी के नाम से जाना जाता है। और एक और एग्जाम्पल है पॉलीडेसिमल, बिल्कुल आप याद रखेंगे। किलोपोडा, किलोपोडा में हम सेंटीपीड या शतपादी को सम्मिलित करते हैं, जैसे स्कोलोपेंड्रा हम बोलते हैं, स्कूटीजेरा एक और एग्जाम्पल है। डिप्लोपोडा और किलोपोडा दोनों ही आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स और कन्फ्यूज नहीं होंगे। जूलस को सहस्त्रपादी बोला जाता है और स्कोलोपेंड्रा को शतपादी कहा जाता है। इनका शरीर लंबा व क्रमिक समान होता है, शरीर सिर व धड़ में विभक्त होता है, यहाँ पर वक्ष और उदर वाला भाग जो है नहीं पाया जाता है, सिर और धड़ यहाँ पर मिलते हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, प्रथम जोड़ी टांगे विष नखरों के रूप में रूपांतरित होते हैं, जो प्रथम जोड़ी टांगे हैं वो ही विष नखरों के रूप में रूपांतरित होती है, नम्ब स्थलीय आवास में ये पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। फिर पोरोपोडा की हम बात करते हैं और पोरोपोडा का एक एग्जाम्पल है पोरोपस, आप डायरेक्ट याद करेंगे। शरीर सिर व धड़ में विभेदित, संगिकाएं त्रिकशाभी की होती है, नेत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन अंगों व हृदय का यहाँ पर अभाव होता है। सिम्फाइला की हम बात करते हैं आगे, आकार में छोटे होते हैं, धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे होती है, श्वास नलिकाएं केवल अग्रभाग में पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है सिम्फाइला, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और स्कूटी जिरेला, यहाँ पर स्कूटी जेरा है और ये स्कूटी जिरेला है, तो दोनों आप ढंग से पढ़ेंगे। फिर है हमारे पास इंसेक्टा, शरीर सिर वक्ष उधर में विभेदित, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर में एक जोड़ी संगिकाएं, एक जोड़ी मैंडिबल और दो जोड़ी जंभिकाएं पाई जाती है, वक्ष में तीन जोड़ी टांगे मिलती हैं यानी छह टांगे होती है, इसलिए इसे हेक्सापोडा के नाम से भी जाना जाता है, इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा भी बोलेंगे। उधर में उपांग अनुपस्थित होते हैं, श्वसन श्वास नलिकाओं द्वारा, उत्सर्जन मेलपुग नलिकाओं के द्वारा होता है, यानी इंसेक्टा इंसेक्ट जो है कीट है, जिसकी स्टडी एंटमोलॉजी कही जाती है, कीट विज्ञान कही जाती है, इनमें मेलपुग नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। लेपिस्मा कोलम्बेला पंखविहीन कीट है, ग्राइलस पेरिप्लेनेटा फाइलियम मैंटिस पेडिगुलस साइमैक्स बेलोस्टोमा पेपिलियो तितली
मस्का, एपिस, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, ये सभी इंसेक्टा वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रयास है कि मैंने आप लोगों को सारगर्भित ऑर्थोपोडा का वर्गीकरण बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वास्तविक मकड़ियाँ एरेनिडा गण में शामिल की गई है। तो वास्तविक मकड़ियों का गण आप याद रखेंगे एरेनिडा। अब मकड़ियाँ जो वास्तविक मकड़ियाँ हैं उनके नाम है एजिलेना, जैसे केप जला मकड़ी बोला जाता है, एकीएरेनिया घरेलू मकड़ी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना, घरेलू मकड़ी को हम एकीएरेनिया बोलते हैं, लाइकोसा जिसे भेड़िया मकड़ी कहा जाता है, साल्टिकस जिसे कूदने वाली मकड़ी कहा जाता है, ये सभी कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए। सूर्य या वायु मकड़ियाँ सोलिफ्यूजी गण में रखी गई है। टिक्स एंड माइट्स चिंचड़िया व किल्लियाँ एकेरिना गण में सम्मिलित किए गए। तो गण बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गण भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे। इनका वर्ग भी आप याद रखना, जो मैंने पिछले पेजों में बता दिया है। आगे वर्ग क्रस्टेशिया की हम बात करते हैं, और क्रस्टेशिया वर्ग में जो बाह्य कंकाल कठोर होता है, सिरोवक्स का बाह्य कंकाल पाया जाता है, जैसे प्लस्टवम या केरोपस कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को वहीं पर बता दिया था। नोप्लियस जोइया, मेटाजोइया, मेगालोपा, ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के लार्वा है, तो ये लार्वा आप याद रखना, ये क्रस्टेशिया वर्ग में मिलते हैं। डेफनिया का गण होता है क्लेडोसिरा, क्रस्टेशिया का सदस्य है। साइक्लॉप्स का गण है कॉपीपोडा। क्रस्टेशिया के उपवर्ग ऑस्ट्रिकोडा के सदस्यों को सीड श्रिम्प के नाम से जानते हैं, और इसका एक एग्जांपल है साइप्रस, यानी सीड श्रिम्प ऑस्ट्रिकोडा के सदस्यों को कहा जाता है, और इसका एग्जांपल है साइप्रस। प्रॉन, पेलीमोन, लोबस्टर, हिप्पा, केकड़ा, यूपेगोरस आदि सभी डेकापोडा गण के सदस्य है। तो गण कभी कभी पूछ लिया जाता है, हिप्पा का गण पूछा गया है, केकड़ा का पूछा गया है, प्रोन का पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। लेपिस्मा या सिल्वर फिश, अब इंसेक्ट की हम बात करते हैं, इनका गण है थाइसेन्यूरा। लेपिस्मा या सिल्वर फिश, सिल्वर कलर का एक इंसेक्ट है। कोलम्बोला गण के सदस्यों को स्प्रिंग टेल जंतु भी कहते हैं, तो कोलम्बोला जो गण है उसके सदस्यों को स्प्रिंग टेल भी हम बोलेंगे। इनके उदर के चौथे खंड में स्प्रिंग अंग पाया जाता है, इसे फरकुला कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। गण ऑर्थोप्टेरा में ग्रास ऑपर्स या टिड्डो को, लोकस्ट या टिड्डी को, फाइलियम जो पर्ण कीट है उसको, कॉकरोच या पेरिप्लांटा को शामिल किया जाता है, तो आप सभी एग्जांपल याद रखेंगे ऑर्थोप्टेरा के। दीमक का गण, टर्माइट्स का गण आइसोप्टेरा होता है। लिपोस्केलिस या बुक लाइस का गण सोकोप्टेरा होता है। तो ये सारे गण आप याद करेंगे डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेफ्लाई का गण होता है एफिमेरोप्टेरा। ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई का गण है ओडोनेटा। मधुमक्खियाँ, ततैया या वास्प, चीटियाँ, आंट्स, इनका गण है हाइमेनोप्टेरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखना इन्हें। घरेलू मक्खी, मस्का या मच्छर का गण डिप्टेरा, फिर से इंपॉर्टेंट है। इनका लार्वा मैगट कहा जाता है। तितलियां, बटरफ्लाइज और शलभ या मौत, इनका गण है लेपिडोप्टेरा। रेशम कीट भी एक प्रकार का मौत होता है जो इसी गण का सदस्य है, और प्रमुख रेशम कीट है बॉम्बिक्स मोराई। रेशम कीट पालन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं, और मधुमक्खी पालन को हम एपिकल्चर के नाम से जानते हैं। समस्त भृंग या बीटल्स जो है वो कोलियोप्टेरा गण में सम्मिलित किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारगर्भित चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑर्थोपोडा से बताई है, ऑर्थोपोडा के वर्गीकरण से बताई है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम मोलस्का की बात भी करेंगे, और कीटों के आर्थिक महत्व की बात भी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।